मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। ये जो ताजा आटा होता है ना, ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। विज्ञान की जानकारी आज के समय की जो ये कहती है वो ये कि आटा जितना ताजा है रोटी उतनी ज्यादा दुरुस्त और तंदुरुस्त है, आटा जितना पुराना है रोटी उतनी खराब है। अब ये शहरों में पिसा पिसाया आटा मिलता है, तीन तीन महीने पुराना, इसको खा के सबके पेट खराब हुए। पहले तो माताएं रोज सवेरे 4 बजे उठती थी, घट्टी चलाती थी, आधा 1 किलो आटा पीस लेती थी, सुबह काम आता था, शाम को चलाया, शाम को काम आता था, किसी के पेट इतने खराब नहीं थे। जब से ये आटा आ गया पैकेट वाला, पेट खराब कभी से हो। तो अगर आप घट्टी चलाओ, 15 मिनट में मैंने देखा आधा किलो गेहूं आराम से पिस जाता है, आधा किलो चना पिस जाता है। उतना आटा एक समय के लिए काफी है, दूसरे समय चला लो उसके लिए काफी है। तो ताजा आटा जितना आप खाओगे शरीर उतना ही दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले। आटे के बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि पिसने के 48 मिनट के अंदर उसकी रोटी बन जानी चाहिए, रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर उसको खा लेना चाहिए। अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है गांव में तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि घट्टी गांव में जिंदा है। ये शहर वालों को मरने दो, कटने दो, क्यों आप उनकी चिंता करो। वो तो मूर्खों के मूर्ख हैं, उनको कितना भी समझाओ वो मानने वाले नहीं है। वो घट्टी नहीं चलाएंगे, वो जिम में जाएंगे, 2-2 घंटे मूर्खों की तरह से उस पे चलेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन 15 मिनट घट्टी चलाने में शर्म आती है उनको। तो उनकी जाने दो, वो तो दिमाग खराब हो गया अंग्रेजी पढ़ पढ़ के सबका। आपका दिमाग कभी भी दुरुस्त है तंदुरुस्त है, क्योंकि अंग्रेजी आपने नहीं पढ़ी।